Jai Shri Krishna. Jai Swami Narayan. Jai Jinendra. Jai Jalaram Bappa. Jai Sitaram. Namaskar. Manch pe upasthit kafi lambi chodi list hai. Lekin hamesha main shortcut maarta hu. Lekin aaj shortcut nahi maarunga. Aaj long cut lunga. Isliye manch pe upasthit मीरा भयंदर गुजराती फाउंडेशन के निखिल देसाई, उत्तरांचल के भंडारी जी, स्टेट एजेंट एसोसिएशन के किरीट बारोट, रमनलाल राठौड़ जी, राधा कृष्ण नायर, विश्वनाथ सालियान, भिलावर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरिहरन जी, रविराज सुवर्णा, श्री रंग परब, वेंकट सावले जी, किरण कपाड़िया जी, विनोद तिवारी जी, प्रज्ञेश जोशी जी, भद्रेश रमावत, रवि जगताप, लाल बहादुर मौर्या जी, अनिल पेड़नेकर जी, दीदार अली कुठारी जी, अब्बास भाई, अजीज भाई, मोहन भाई पटेल, आरपी यादव, अरविंद सिंह, देवी सिंह रघुवंशी, प्रतिमा बंगेरा, नैन्सी सिक्वेरा, आरती ठक्कर, रूपा पिंटो, निर्मला वोरा, रमाबेन बोसारिया, सरलाबेन आचार्य, पुष्पाबेन उपाध्याय, ललिता जोशी, सुनंदा पिपालिया, हर्षा वागरिया, गिरा व्यास, जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे, राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष संतोष पेड़नेकर पेंडुलकर, सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, मंच पे उपस्थित सभी जनमान्य व्यक्तिगण, पार्टी के सभी ऑफिस बेयरर्स, नगर सेवक, एक्स कॉर्पोरेटर्स, उपस्थित सभी समाज के भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप आज इस मीटिंग में, एक पॉलिटिकल मीटिंग में पूरे समाज के लोग आप लोग यहां पर आज उपस्थित हुए. इसके लिए आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं. मेरे आने से पहले सभी लोगों ने, मैं काम के संदर्भ में बातें यहां पर हुई है और मैं आगे क्या करने जा रहा हूं इसके बारे में भी चर्चा हुई है. भाजपा का विधायक जो अभी विधायक है, अभी उन्होंने अपनी सभा में ये कहा कि सरकार तो हमारी है और सरकार हमारी रहेगी तो ये काम कैसे करेंगे. अब जिस राजनेता को लोकतंत्र पे से विश्वास हट जाए और जिसको डेमोक्रेसी और लोकतंत्र क्या है इस चीज की अगर उसको मालूमात नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोकतंत्र के प्रोसेस में ही उसने नहीं रहना चाहिए. क्योंकि लोकतंत्र में सत्ताधारी से ज्यादा आवाज विरोधी पक्ष की होती है और उसमें विरोधी पक्ष अगर मेरे जैसा आदमी हो और आप जैसे साथीदार हो तो हमको सत्ता की जरूरत नहीं होती. 30-35 सालों में जो भी काम हमने किया उस वक्त मैं कॉर्पोरेटर भी नहीं था 85 में और 90 से लेके 2004 तक तो मैं विधानसभा में भी नहीं था, एमएलए भी नहीं था, एमएलसी भी नहीं था, सिर्फ एक नगर सेवक था. और एक अगर नगर सेवक होने के बाद मैं शहर का नक्शा बना सकता हूं, शहर में 12 डब्बे की ट्रेन ला सकता हूं, 2 ट्रैक से 4 ट्रैक बना सकता हूं, बीएसटी की बस ला सकता हूं, पानी शहर को दिला सकता हूं, केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपया ला सकता हूं, पुलिस स्टेशन बना सकता हूं, कोर्ट बना सकता हूं और पता नहीं क्या क्या काम बगैर आमदार बने मैं कर सकता हूं. तब तो आप सोचिए कि आज तो मैं 9 साल आमदार रह चुका हूं, राष्ट्रपति पद का पुरस्कार विजेता रह चुका हूं. आप मुझे आमदार बना करके भेजोगे तो इस शहर के व्यारे नारे करने का काम आगे हम करेंगे. अगर आज हमने अपने वचननामे में यह कहा है
कि 63 टोल नाका हम हटाएंगे, हमको किसी सरकार में बने रहने की जरूरत नहीं है, हम विरोधी पक्ष करके इस टोल नाके को हटाने के लिए, अगर इनको ये लगता है सेना बीजेपी को कि राज्य में सरकार हमारी नहीं आएगी, मैं अगर आमदार भी बन गया सरकार नहीं होगी तो हम क्या कर लेंगे, तो पहले तो इनकी गलतफहमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य में सरकार कांग्रेस राष्ट्रवादी की और आगाड़ी की बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो मैं क्या बनूंगा, उस दिन बाला साहब थोराट साहब बोल के गए कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा। अच्छा, आज पार्टी ने तो मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र के कांग्रेस का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, तो मंत्रिमंडल की यादी भी फाइनल करने का काम थोड़ा बहुत मेरे हाथ में रहने वाला है। तो इसलिए थोराट साहब ने जो बोल के गए हैं वो पक्का होने वाला है, क्योंकि थोराट साहब शिरडी से आते हैं और साई राम का आशीर्वाद लेकर आते हैं, और खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि समझो हम विरोधी पक्ष में है, तब तो और अच्छी बात है, आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे, मगर टोल नाका हटाएंगे, जेल जाएंगे। हाथ उठा के बताइए मेरे साथ कितने लोग जेल जाएंगे। ये टोल नाका हम हटा के रहेंगे, और टोल नाका हटाना ये मेरा पहला काम है, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अरे मीरा रोड से रोज की 10,000 गाड़ियां जाती है, और अगर हमने आह्वान कर दिया तो लोग टोल नाके पे जाके गाड़ियां खड़ा करके गाड़ी लॉक करके घर वापस चले जाएंगे, तब क्या गाड़ी को पकड़ के जेल में डालेंगे। तो अगर आंदोलन करना है तो बहुत तुक्के हैं हमारे पास, तो आप लोग तैयार हो जाइए कि हमको आंदोलन करना है और इस शहर से टोल नाके को, 63 टोल नाके को हटाना है। आप में से कितने लोग मेरे साथ पहले रेल के आंदोलन में थे, पहला जो रेल का आंदोलन हमने 89 में किया था, 88 में किया था, 91 में किया था, 92 में किया था। मैं सीधा सिर्फ नगर सेवक था, और 9 डब्बे की गाड़ी को हमने 12 डब्बा बनाया था, और 4 रेलवे के आंदोलन हमने किए थे, और वसई से लेकर बोरीवली तक उस दिन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक भी जनता नहीं थी, और हमने 9 से 12 डब्बे करके दिखाया। अगर ये कहते हैं कि सरकार इनकी रहने वाली है तो पिछले 5 साल किसकी सरकार थी, केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने 5 साल में वचननामे में लिखने के बाद आपने टोल नाका क्यों नहीं हटाया, आपने ट्रेन क्यों नहीं चालू करी, आपने क्यों मीरा रोड की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज मैं रेलवे स्टेशन पे था सवेरे, देखने से देखते नहीं बनता था कैसी हमारी मां बहने जिस तरह ट्रेन में चढ़ती थी, मेरे आंख से उसी वक्त आंसू निकलने लगे, इतनी बुरी हाल है। तो 5 साल में आपने क्यों नहीं किया, जो महिला ट्रेन लोकल स्पेशल बोरीवली भयंदर से चल रही थी उसको बंद करने का काम आप लोगों ने किया, जब हमने अभी आंदोलन की नोटिस दी और जब हम लोगों ने उसका आंदोलन पुकारा, तब जाके रेलवे प्रशासन को और केंद्र शासन को भयंदर की महिला स्पेशल फिर से चालू करनी पड़ी। तो आमदार या मंत्री बनना ही जरूरी नहीं लोगों का काम करने के लिए, हम तो सामाजिक जीवन में आई है लोगों का काम करने के लिए, ना कि खुद की धन संपत्ति बनाने के लिए। महानगर पालिका 750 करोड़ रुपए के कर्जे में है, और एक व्यक्ति की संपत्ति 5 लाख से 750 करोड़ रुपए बन गई है 5 साल में। कौन है वो, कौन है वो?
कौन है वो? नाम भी जानते हो मगर नाम मत बोलिए, नाम मत बोलिए, फिर जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा, गंगा जल डालना पड़ेगा। आप लोग हाउस टैक्स भरते हो इतने सालों से, उसी हाउस टैक्स में गार्बेज टैक्स पहले ही लिया जाता है, गार्बेज टैक्स, कचरे का टैक्स, मगर आपके ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया गया है, डबल टैक्स। मालूम है आप लोग को? हाथ उठाइए, कितने लोग को मालूम है? सबको मालूम है। और आप उस शोले पिक्चर में जैसा गब्बर सिंह के आदमी आते हैं टैक्स वसूल करने, और वो गरीब किसान डर के मारे बेचारा अपना अनाज लाके देता था, उसी तरह म्युनिसिपैलिटी से आदमी आते हैं गब्बर सिंह के, और आपको डराते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे, फ्लैट पे ताला लगा देंगे, पानी कनेक्शन काट देंगे अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो। हमने उसी वक्त आश्वासन ऐलान किया था कि ये टैक्स मत भरिए, ये इलीगल टैक्स है, ये गार्बेज टैक्स हटाना ये हमारी प्रायोरिटी है, और इसे भी हम हटा के रहेंगे, और इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने इस देश से अंग्रेजों को हटाया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके, क्या करके? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके। पूरे शहर में हम ऐलान करेंगे, लोगों को विनंती करेंगे कि सिर्फ गार्बेज टैक्स नहीं, पूरा हाउस टैक्स भी भरना बंद कीजिए। तो आमदार महोदय जी, आपको, आपने कभी आंदोलन किया नहीं, आपने कभी जनता की सेवा करी नहीं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सत्ता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो सत्ता के साथ होता है उससे ज्यादा विरोधी पक्ष काम कर सकता है, और जिसके साथ जनता हो वो तो कुछ भी कर सकता है। गांधी जी के साथ जनता थी, इसीलिए इस देश को आजादी मिली। इन्होंने पिछले 5 साल में शहर के अंदर सिर्फ जातिवाद फैलाया, जातिवाद में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हिंदू हिंदू के अंदर बांटने का काम किया। ये जैन है, ये मारवाड़ी जैन है, तो ये गुजराती जैन है, ये स्थानकवासी है, ये देरावासी है, ये बाबा सीताराम वाले है, ये वड़ताल वाले है, ये बाप्स वाले, स्वामीनारायण वाले है। हर बात के अंदर लोगों को तोड़ने का काम किया, और हमने क्या किया? हमने जोड़ने का काम किया, हमने जीते जी भी साथ में जीना का सिखाया, और मरने के बाद भी साथ में रहेंगे, वैसी निशानी इस शहर में बनाई। पाप का घड़ा भर गया है, पाप का घड़ा भर गया है, आने वाले 21 तारीख को उस घड़े को आपको डुबा देना है, बटन दबाइएगा, मेरी तस्वीर भी है लगी हुई, मतलब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तीन नंबर पे है त्रिमूर्ति, थ्री इडियट्स, ब्रह्म विष्णु महेश, ये पंडित है हमारे साथ। 21 तारीख को 2 और 1 3, 21 को 2 और 1 3, 3 नंबर पे मुजफ्फर हुसैन, मेरी फोटो भी है, अच्छी दिखती है, तो उस पे बटन दबा करके आपको मुझे बहुमतों से चुन के भेजना है। ये जाहिरनामा आप लोगों तक के पहुंचा है, सब लोगों तक। इसमें हमने 30-35 साल में क्या किया वो भी है, और अगले 5 सालों में हमको क्या करना है ये भी है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि साहब आप ये चुनाव क्यों लड़ रहे हो, आप अभी वर्किंग प्रेसिडेंट हो, आप 9 साल MLC रह चुके हो, इतने सीनियर आदमी हो गए हो। तो मैंने उनसे कहा कि ये शहर के अंदर जो करप्शन बढ़ा है, ये शहर के अंदर जो अन्याय बढ़ा है, इनजस्टिस बढ़ी है, ये मेरी लड़ाई उस करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ की लड़ाई है। गरीब से गरीब आदमी, व्यापारी, दुकानदार, हॉकर्स, रिक्शा वाले, इंडस्ट्रीज वाले, बिल्डर्स, स्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी के ओनर्स, कोई एक व्यक्ति इस शहर में बता दे कि हमारे पे अन्याय नहीं हो रहा है, हमारे पे दादागिरी नहीं हो रही है, हमारे पे गुंडागर्दी नहीं हो रही है,
हमको डराया नहीं जा रहा है, हमको धमकाया नहीं जा रहा है। अगर कोई किसी से बात करता है तो उसको फोन आता है कि तुम उसके कार्यक्रम में क्यों गए। हमने इतने साल सत्ता भोगी इस शहर में, मगर कभी समाज के लोगों को यह सवाल कभी नहीं पूछा कि आप वो फला आदमी का सत्कार क्यों कर रहे हो, आप उसको मंदिर में क्यों बुला रहे हो, आप इसके कार्यक्रम में क्यों जा रहे हो। तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम इस शहर में किसी ने किया है, और जो आदमी, जो इंसान लोकतंत्र की गला घोटने का काम करता है, जनता जनार्दन उसे माफ कभी नहीं करती। आपके पास अभी अगले 8 दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे आपको खाने के डब्बे पहुंचाएंगे, उसमें लड्डू भी होगा, उसमें बादाम पिस्ता भी डालेंगे, 50 रुपए का चांदला भी मिलेगा, बर्तन भी बांटे जाएंगे, साड़ियां भी बांटी जाएगी, पैसे भी बांटे जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा, समय आपका आ गया है, जिसने शहर को लूटा है उसे लूटने का वक्त अब आ गया है। जिसने शहर को लूटा है, जिसने अब उसे लूटने का वक्त आ गया है। तो ये 5, 50, 100 रुपए का चांदला मत लीजिए, 100, 200, 500 रुपए के कपड़े और साड़ियां मत लीजिए। उसको बोलिए हमारा बैंक अकाउंट है, हम इनकम टैक्स पे ही है, इसके अंदर आरटीजीएस कीजिए, हर एक को कम से कम 15 लाख तो नहीं मिले, 50,000 तो जरूर भेजिए। क्योंकि हर साल में आपके हर एक के जेब से 5,000 रुपया हर साल का निकाला गया है, आपके जेब से, आपके हाउस टैक्स में से। 25% का भ्रष्टाचार इस म्युनिसिपैलिटी में एक व्यक्ति जो लोक प्रतिनिधि है उसने जाहिर रीत से किया है, मालूम है आप लोग को, पता है कि नहीं पता है? अब आप हिसाब कर लो कि आपका हाउस टैक्स कितने का होता है, आपके ऊपर दूसरे टैक्सेस कितने के होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के दुकानदार के होर्डिंग के कितने का बिल्स बनता है, आपको कितना टैक्स भरना पड़ता है, और जो साल का पैसा भरते हो उसका 12-15 हजार रुपया 20 हजार रुपया उसका 25% कितना होता है। ये शहर के अंदर 2.5 लाख टैक्स पेयर्स है, हाउस टैक्स पेयर्स, उसका हर आदमी का अगर 5,000 रुपए गिना तो कितना पैसा हुआ, आपको भी हिसाब करने का वक्त लगेगा। क्योंकि आपने कभी 25% जा रहा है आपको पता ही नहीं था, अब आपको पता लगेगा, रात को जाकर के पक्का हिसाब कीजिएगा। बत्ता घेरे जाइने सुकर सो तुम्हें हिसाब जो जो बिल कटो जो कितना पैसा आ मारा 15,000 रुपए नो हूं भरी पची 25% कितलू दियो आ हिसाब कर जो बापा। निखिल भाई क्या छे, निखिल भाई छे आया, ये हिसाब जरूर करो, तब आपको पता लगेगा कि 25% आपका गया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर का नहीं गया है, टैक्स पेयर का गया है। और तब जाकर की म्युनिसिपैलिटी 750 करोड़ के कर्जे में आई है। अगर ये कोई आके कहता है कि हमने 100 करोड़ रुपए का रोड बनाया, कॉन्ट्रैक्ट का ये काम किया वो काम किया, तो ये सारा काम आपको इसमें पता लग गया होगा कि ये हम लोगों ने उसका नींव रखी, इसके लिए पैसे हमने लाए, और तब जाके ये काम आज तक चल रहे हैं। मगर इसमें से कमीशन खाने का काम, करप्शन करने का काम ये लोगों ने किया है, और यही वजह है कि शहर से करप्शन हटाना और इनजस्टिस को दूर करना, ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ दें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बताइए, क्या आप मेरे साथ इस करप्शन एंड इनजस्टिस की लड़ाई में साथ में है? आवाज देके कहिए, है? धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।